खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा में 72 साल के बुजुर्ग की तीन युवकों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी थी। इस बीच बुजुर्ग की मौत से भड़के परिजनों ने आरोपी पक्ष के घरों में आग लगा दी। गांव में बढ़ते तनाव के बाद यहां आसपास के थानों से फोर्स बुलाकर तैनात की गई है। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने गांव छोड़ दिया है। डबरा के ररुआ गांव में रहने वाले अमर सिंह परिहार का गांव के ही कुशवाह समाज के लोगों से विवाद चल रहा था। सोमवार को जब अमर सिंह आरोपियों के घर के सामने से निकल रहे थे, तो किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील हो गया। आरोपी युवकों ने मिलकर बुजुर्ग की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में परिजन उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक अमर सिंह के बेटे राम निवास परिहार की रिपोर्ट पर कल्लू उर्फ बिहारी कुशवाह, नीरज कुशवाह और गौतम कुशवाह के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसी बीच मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हत्या से नाराज लोगों ने आरोपी पक्ष से जुड़े घर में आग लगा दी, जिसने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे आधा दर्जन घरों में रखा गृहस्थी का सामान, बाइक, ट्रैक्टर, ट्राली जलकर खाक हो गए। घटना में दो सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, जिनकी गूंज से पूरा गांव दहल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड बुलाई गई। 3 फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गांव के एक घर में लगाई गई आग ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। आधा दर्जन घरों को भारी नुकसान पहुंचा। गांव में दहशत का माहौल है। दोनों पक्षों के लोगों ने गांव छोड़ दिया है। मंगलवार को आगजनी की घटना के बाद गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, एडिशनल SP देहात जयराज कुबेर, SDOP अभिनव बारंगे, थाना प्रभारी राजीव बिरथरे भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया। SP अमित सांगी ने बताया कि बुजुर्ग अमर सिंह परिहार को सोमवार को तीन युवकों ने डंडों से पीटा था। घटना की वजह इनके बीच का पुराना विवाद बताया जा रहा था। बुजुर्ग को JH ग्वालियर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया था। बुजुर्ग के सिर पर लाठी मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो आरोपियों की तलाश में टीम जुटी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी पक्षों के घरों में आग लगाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गांव में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल यहां शांति का माहौल है। मुख्य आरोपी जिसने उसके सिर पे मारा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अन्य दो की तलाश अभी। घटना के बाद आज सुबह आक्रोशित लोगों ने जो आरोपी पक्ष थे उनके 2-3 घरों में आग लगाने का प्रयास किया, जिससे उनका सामान काफी जल गया है। ये आग बुझा दी गई है और बल वहां पे तैनात है। फिलहाल शांत।